फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं डॉक्टर शशिवाला शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज दिलाड़ा। मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक में मोड करवा रही थी। मोड में हमने डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज दोनों कर लिया था। आज हम करेंगे कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज में मोड ज्ञात करने के लिए वैसे ही 7 कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी जैसा कि हम लोगों को डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ी थी। और इसके नोट्स, 7 सीरीज़ के नोट्स मैंने आपके मोबाइल पे अपने कॉलेज के ग्रुप पे डाल दिए हैं। वापस बता रही हूँ मैं कि पहले कॉलम में फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। इस फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको अपने को शो करना होगा। शो हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, चाहे गोला बना के करें, या अपन इसको अपोजिट शाही के पेन से भी शो कर सकते हैं, या इसको अंडरलाइन करके भी शो कर सकते हैं। दूसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, दो 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 अंकों का जोड़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी के दो अंकों का जोड़। 12 और 10 22, 16 और 14 30, 10 और 8 18, 17 और 5 22, और लास्ट में हमारे 4 बच जाता है। ये 4 इसके साथ हमारे कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है नंबर थ्री कॉलम। नंबर थ्री कॉलम में हमें क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम या नंबर वन कॉलम के पहले डाटा को छोड़ देंगे, पहले अंक को छोड़ देंगे, आगे के दो दो अंकों का योग लिखेंगे। तो हमने पहले 10 इकाई को छोड़ दिया और इसके बाद में 12 और 16 28, फिर 14 और 10 24, 17 और 8 25, 5 और 4 9। अब नेक्स्ट है नंबर फोर कॉलम। नंबर फोर कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी के तीन तीन अंकों का जोड़ करेंगे, 12, 16, 28 और 10 38, फिर इसके बाद में 14, 10 और 8 14 और 10 24, 24 और 8 32, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट में 3, 17 और 5 22, 22 और 4 26। ये इस तरह से हमने इनका तीन तीन का जोड़ किया। अब नेक्स्ट कॉलम नंबर फिफ्थ, इसमें हम फ्रीक्वेंसी के पहले अंक को छोड़कर आगे के तीन तीन अंकों का जोड़ करेंगे। तो पहली इकाई को छोड़ दिया और आगे के हैं 12, 16 और 14, 12, 16 और 14, तो 14 और 16 30, 30 और 12 42, 42, इसके बाद में 10 और 8 18, 18 और 17 35, और लास्ट में हमारे तीन का नहीं बन रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है इसके बाद में नंबर सिक्स। नंबर सिक्स में हम क्या करेंगे, पहले कॉलम के दो अंकों को छोड़कर आगे के तीन तीन अंकों का जोड़ करेंगे। तो यहाँ देखिए 10 और 12 को छोड़ दिया और इसके बाद में तीन अंक जोड़े, 16, 14 और 10, 16 और 14 30, 30 और 10 40, इसके बाद यहाँ पे 17 और 8 25 और 5 30, और लास्ट में बच जाता है हमारे टेली करने का। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, पहले कॉलम में हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, दूसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के दो दो अंकों का जोड़ कर लेंगे, तीसरे कॉलम में हमें क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी के पहले अंक को छोड़कर आगे के दो दो अंकों का जोड़ करना होगा, चौथे कॉलम में हम क्या करेंगे, पहले कॉलम के तीन तीन अंकों का जोड़ करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के या पहले कॉलम के पहले अंक को छोड़कर आगे के तीन तीन अंकों का जोड़ करेंगे। तो वो हमने यहाँ पे किया। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में दो अंकों को छोड़कर तीन तीन का योग करेंगे और लास्ट में हो जाएगा हमारे टैली बार्स, यानी कि हमें यहाँ पे टैली बार्स लगाने होंगे, फॉर एंड क्रॉस मेथड को यूज़ में लेना होगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस कॉलम में सबसे बड़ी संख्या है उसे हम शो कर देंगे। पहले कॉलम में 17 बड़ी संख्या थी, इसको मैंने गोला बना के शो किया है। इसी तरह से सेकंड कॉलम में 30 बड़ी संख्या थी, इसको हमने शो कर दिया। इसके बाद यहाँ पे 28 बड़ी संख्या है, इसको हमने शो कर दिया। नेक्स्ट नंबर 4 में है 38 बड़ी संख्या, इसको हमने गोला बना के शो कर दिया। नंबर 5th में है 42 बड़ी संख्या, तो 42 को शो कर दिया। और लास्ट में है 40 बड़ी संख्या, तो 40 को हमने शो कर दिया। अब यहाँ पे टैली करेंगे, सबसे बड़ी संख्या है 17, 17 के आगे लगा देंगे हम एक बार। इसके बाद नेक्स्ट है 16 और 14, तो 12 से 16, 16 से 20, इन दोनों का जोड़ करने पे हमारे को मिली है, तो 16 से 14, 16 और 14। नेक्स्ट है 28 बड़ी संख्या, 28 बना है 12 और 16 को जोड़ने पर, तो 12 और 16 है 8 से 12 और 12 से 16 के सामने। इसी तरह से 38 बड़ी संख्या है, 38 बनी है 10, 12 और 16 को जोड़ने पे, तो ये है हमारे 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16। इसके बाद में नेक्स्ट 5th कॉलम में 42 बड़ी संख्या है, 42 बना है 12, 16 और 14 को जोड़ने पे, तो 12, 16 और 14, या 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20 वाली क्लास के सामने हम लोग एक एक डंडा लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 40 बड़ी संख्या, 40, 40 बना है 16, 14 और 10, तो 16, 14 और 10, यानी कि 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। तो अब आप देखेंगे हमारी सबसे बड़ी संख्या किस में आ रही है, यहाँ पे 1, 3, 5, 3, 1 एंड 1। तो अब यहाँ पे जेड क्लास जो आ रही है, जेड क्लास आ रही है हमारी 12 से 16। अब जब भी हमारे इस तरह से एक वर्ग में आएगी जेड क्लास, तो उसे हम एक फॉर्मूले के द्वारा जेड निकालेंगे या वर्ग निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला है जेड इज इक्वल टू L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into 1। अब यहाँ पे L1 तो हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ क्लास, यानी कि 12, F1 है इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, 12 से 16 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगी, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F2। F1 है 16 माइनस इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है F0, 12, 2F1 F0, 12 और F2 है 14 into I। I हमारा क्लास इंटरवल होता है, वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल कौन सा, जो इन दोनों L2 माइनस L1, I इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपर लिमिट ऑफ क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, तो I हो जाएगा 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। तो 12 प्लस 16 में से 12 गए तो 4, 16 को 2 से गुना किया 32, माइनस 14 और 12 हो गए 26 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 अपॉन 32 में से 26 गए तो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 चौक 16 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 तिया 6 दुअंते 16, तो 12 प्लस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 का भाग इसमें दिया, 3 दूनी 6
बच गए दो, 3 × 18, 3 × 18.66 करके बच जाएगा। तो इसका हम यदि 0.5 से ज़्यादा होता है तो उसका 1 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे हो गया 0.67 इज इक्वल टू आंसर हो जाएंगे 14.67 अंक्स। तो जेड हो गया 14.67। ये मैंने आपको बताया कंटिन्यूस सीरीज़ में जेड निकालना। मैं आपको फिर वापस समझा देती हूँ कि जेड निकालने के लिए कंटिन्यूस सीरीज़ में इस तरह से क्लासेस में दिया हुआ होगा। क्लासेस किसी भी प्रकार से दी हुई हो सकती है, 0 से 10, 10 से 20 भी हो सकता है, 5 से 10, 10 से 15 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 4 से 8, 8 से 12, तो यहाँ पे 4-4 का अंतर है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी को हमने कॉलम नंबर 1 में रखा है और कॉलम नंबर 2 में हमने फ्रीक्वेंसी के 2-2 अंकों का जोड़ किया है, यानी कि 10 और 12 को जोड़ा, फिर 16 और 14 को जोड़ा, 10 और 18 को जोड़ा, 17 और 5 को जोड़ा और लास्ट में हमारे 4 बच जाते हैं। इसके साथ हमारा कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इस संख्या को हम छोड़ देंगे। यदि लास्ट में इस तरह से संख्या छूट रही है तो आप लोग टेंशन नहीं लें, उस संख्या को उसी हाल में छोड़ दें। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 में हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी का या कॉलम नंबर 1 का पहला आंकड़ा हमें छोड़ देना है, उसके बाद के आगे आगे अंकों को छोड़ते जाना है। तो पहला था हमारे 10, 10 के बाद संख्या थी 12 और 16, तो 12 और 16 को जोड़ा, फिर 14 और 10 को जोड़ा, फिर 17 और 8 को जोड़ा और फिर 5 और 4 को जोड़ लिया, तो 9 आ गए। तो अनमीन जो बड़ी संख्या थी उसको हमने गोला बना के शो कर दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी के 3-3 अंकों का जोड़ करेंगे, तो यहाँ पे 10, 12 और 16, 10, 12, 16 हो गए हमारे 38, 14, 10 और 8 हो गए 32, 17, 5 और 4 हो गए 26, तो सबसे बड़ी संख्या है 38, 38, इसको हमने गोला बना के शो कर दिया। नेक्स्ट कॉलम में नंबर 5 में हम क्या करेंगे, पहले कॉलम के पहले अंक को छोड़कर बाकी के 3-3 अंकों का जोड़ करेंगे, तो 10 को छोड़ दिया, 12, 16 और 14 को जोड़ा, फिर 10, 8 और 17 को जोड़ा, लास्ट में 5 और 4 रहते हैं, इसके लिए तीसरा अंक हमारे पास है नहीं, तो हम इसको अपने हाल पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 12, 16 और 14, तो ये हो गए हमारे 42, इसके बाद में 10, 8 और 17 ये हो गए 35, इनमें बड़ी संख्या है 42, 42 को हमने शो कर दिया। नेक्स्ट कॉलम में आता है हमारे कॉलम नंबर 6 में, कॉलम नंबर 6 में हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के 2 अंकों को छोड़ देंगे, कॉलम नंबर 1 के 2 अंकों को छोड़ देंगे, आगे के 3-3 अंकों का जोड़ करेंगे, तो कॉलम नंबर 1 के 2 अंकों को छोड़ा और 16, 14, 10 को जोड़ा तो ये आ गए 40 और फिर 8, 17 और 5 को जोड़ा तो ये आ गए 30। इसके बाद हमारे इनके साथ कोई कपल नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने ये कर लिया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे टैली। टैली बहुत ध्यान से देखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स टैली बार्स लगाने में ही गलती करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टैली बार लगाया हमने, पहला सबसे पहला लगाया 17 बड़ी संख्या है, हर कॉलम में जो बड़ी संख्या है और वो बड़ी संख्या कैसे बनी है उसी को हमें टैली करना होता है। तो यहाँ पे देखिए 17 बड़ी संख्या है, 17 के आगे हमने एक बार लगा दिया। दूसरे कॉलम में 30 बड़ी संख्या है, 30 16 और 14 को जोड़ने पे बना है, 16 और 14 किसके सामने आते हैं, 12 से 16 और 16 से 20, तो एक बार लगाया हमने 12 से 16। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आप लोगों को वापस से, 17 बना ये, 16 और 14 एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। नेक्स्ट बना है 28 कितने को जोड़ने पे बना है, 16 12 और 16 तो 12 और 16। इसी तरह से 38 बना है हमारे 10 12 और 16 तो 10 12 और 16 इस तरह से बार लगा दें। 42 बना है 12 16 और 14 तो 12 16 और 14 और लास्ट में है 40 बना है हमारे 16 14 और 10 तो 16 14 और 10 तो ये हमारे फोर एंड क्रॉस मेथड हो गया। और ये देख लीजिए इस तरह से हम टैली बार लगाते हैं, तो सबसे बड़ा हमारी संख्या आ रही है 5 और ये 5 आते हैं 12 से 16 के सामने।
तो ये हमारे हो गया मॉड क्लास। तो इस मॉड में से हमें कौन सा ऐसा अंग होगा जो कि बहुलक कहलाएगा, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ में लेना होगा। फॉर्मूला है जेड इज इक्वल टू एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, और इसके अंक हमने लिखते चले गए और लास्ट में जब कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया 14.67। तो मैं सोचती हूँ अब तक आपको समझ में आ गया होगा। कल मैं आप लोगों को इसी में एक नई चीज़ सिखाऊंगी कि यदि मान लीजिए आपके ये दो आ जाते हैं, मॉड क्लास यदि दो आ जाती है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे और किस तरह से आप अपना आंसर प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।